स्टेशन चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं गूगल अर्थ का, गूगल का मैप जो है वो मैप का लेयर या बिग मैप का लेयर हम अपना काम के लिए कैसे QGIS के बैकग्राउंड में एज ए लेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल एक टूल है जिससे हम अपना मैप को और भी आसानी से समझ सकते हैं या उसको बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके प्लगइन मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये प्लगइन को आप अपना जो QGIS सॉफ्टवेयर है उसमें आप ऐड कर ले। तो ऐड करने के लिए आप प्लगइन ऑप्शन में जाएं। इंस्टॉल करने के बाद आपके मशीन में आपके सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आपको मिलेगा वेब बोल के। वेब आपका एक मेनू बार में ऐड हो जाएगा मेनू वेब बोल के। यहाँ से आप अपना ओपन लेयर प्लगइन आप एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आपके काम के अनुसार आप गूगल मैप भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सारे मोड हैं आपके मोड, जिस मोड में आपको काम करना है वो मोड आप ले सकते हैं एज ए लेयर। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ से गूगल का सैटेलाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आपको ये फटाफट इसका बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये लेयर पैनल में यहाँ आपके गूगल सैटेलाइट बोल के एक लेयर जो है ये ऐड हो गया है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये देखिए आई आ गया है। तो आप अपने काम के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने काम के सुविधा के लिए आप अपना कोई भी लेयर कोई भी आप चेकपॉइंट में ऐड कर लें ताकि आप इसको अपने कुछ चेकपॉइंट को ओपन कर सकें। तो मेरा ये चेकपॉइंट इसको ओपन करके When we're skin on skin, don't you dare to stop.